तो दोस्तों, अब तो हमारे देश में पहली बार यहाँ पर हाइपरलूप ट्रेन टेक्नोलॉजी को लेकर काम काफी तेजी से शुरू हो चुका है। दरअसल अब जल्द ही नीति आयोग अपनी एक रिपोर्ट फाइनलाइज करने वाली है ऑन हाइपरलूप टेक्नोलॉजी बाय नवंबर एंड। पूरी बात ऐसी है कि हमारे देश में हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन और हाइपरलूप जैसे बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन पर स्टडी और किस तरह से ये हमारे देश को बेनिफिट दे सकते हैं, इसकी रिसर्च और रिपोर्ट बनाने के लिए नवंबर 2020 में कमेटी फॉर्म की गई थी, जो कि हेडेड थी बाय डॉक्टर विजय कुमार। और यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबल थे कि कैसे हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन और ऐसे तमाम सारे फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन भारत अडॉप्ट कर सकता है, इसका बेसिकली कंसेप्चुलाइज करना फॉर कार्गो एज वेल एज पैसेंजर। इसके अंडर में काफी सारी और भी सब कमिटीज है, तो सब कमिटीज ने तो फाइनल रिपोर्ट दे दी है, बट अब हमारी ये जो नीति आयोग है ये कंपाइल करेगी बेसिकली सारी स्टडीज को एक साथ, तो ये कंपाइल करने के लिए अब ये जरा टाइम ले रहे हैं। अब मजे की बात यहाँ पर ये भी है कि फुल रिपोर्ट तो बन जाएगी, बट यहाँ पर दो मिनिस्ट्री को बेसिकली कॉल मिल सकता है हमारी हाइपरलूप के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। बिकॉज प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि हाइपरलूप ये बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, दुनिया भर के यहाँ पर एवियोनिक्स के प्रिंसिपल्स लागू होते हैं, और वहीं दूसरी तरफ देखें तो ये रेलवे से भी काफी ज्यादा मिलता जुलता है जो इसका मकसद है बेसिकली। अब ये काफी इंटरेस्टिंग बात है। वैसे भारत ये पहली बार नहीं कर रहा है, इनफैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स ने तो काफी समय पहले ही 2016 में इन लोग के यहाँ पर नेशनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम सेंटर, इनके अंडर में यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी फॉर हाइपरलूप कमर्शियल फीजिबिलिटी रिपोर्ट। और यहाँ पर बेसिकली हाईलाइट किया गया था कि ये तो काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है, सब कुछ ठीक है, बट सेफ्टी मेजर्स यहाँ पर एक काफी ज्यादा आप कह सकते हो कि ब्रेक पॉइंट है। काफी सारे यहाँ पर डीप्रेशराइजेशन, फिर हाइपरलूप कैप्सूल्स, फिर रैपिड डीप्रेशराइजेशन को कैसे हैंडल हम करेंगे, मान लीजिए लार्ज स्केल लीक्स अगर हो जाते हैं तो उन सबको कैसे हैंडल करना है, ऐसे में काउंटर मेजर्स यहाँ पर क्या लिए जाने चाहिए, तो इन सब पर सवाल उठाए थे। ऑलरेडी ऐसी टेक्नोलॉजी को बहुत ही ज्यादा सेफ और रेसिलियंट बनाने के लिए काफी ज्यादा मशक्कत की जा रही है दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज द्वारा, जिसमें इलॉन मस्क की कंपनी, फिर ट्रांसपोर्ट, डीपी वर्ल्ड, वर्जिन हाइपरलूप, हार्ट हाइपरलूप, ऐसी तमाम सारी कंपनीज शामिल है। लेकिन भारत का पर्सपेक्टिव यहाँ पर देखें तो हम चाहते हैं कि हमारे देश में दुनिया की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी तो आई, लेकिन मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत यहाँ पर काम होना चाहिए। और इसके लिए इंडियन रेलवेज ने ऑलरेडी लगभग 8.5 करोड़ रुपीस IIT मद्रास को दिए थे फॉर हाइपरलूप टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। एक बार ये रिपोर्ट रिलीज हो जाए इसके ऊपर भी हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, बट ये हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के बारे में आपकी क्या राय है डेफिनेटली कमेंट्स में बताइएगा।